Hello, my dear students. How are you all? I hope everyone is fine. So, आज से हम start कर रहे हैं revision. ठीक है? As you know, 21st date से revision start होना था. तो आप देखो कि आपको कैसे revision start करना है. ठीक है? एक पेज निकालना. ठीक है? उस पर लिखना है FA2. नीचे लिखना revision. फिर स्टार्ट करना है कैसे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए MCQs, है ना? पेपर पैटर्न के हिसाब से चलेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1A MCQs लिखना है. और क्या लिखना है? चैप्टर 4, मतलब कि पहले चैप्टर 4 के MCQs हम कवर करेंगे, फिर चैप्टर 5 के MCQs, फिर चैप्टर 6 के MCQs. ठीक है? जब चैप्टर चेंज होगा तो हमें मेंशन करना है कि कौन से चैप्टर के हमने MCQs लिखे हैं. राइट? और डेट एंड डे लिखना मत भूलना. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन फ्रॉम एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 4. चलिए, ये हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज. स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू डैश. 10 प्लस 10 कितना होगा? 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20. सो हियर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, 50 माइनस 10. 50 में से 10 को निकाल दो तो कितने बच गए? 50 में से 10 कम कर दो तो बचेंगे 40. सो हियर द बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, 4 टेंस एंड 0 वंस. 40 ए इज द राइट आंसर. ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू डैश. 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50. सो हियर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, 6 टेंस एंड 7 वंस इज इक्वल टू डैश. 6, 7, 67 ए इज द राइट आंसर. तो ये हैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 के पैटर्न्स के. ओके? तो आप हेडिंग देना चैप्टर नंबर 5, उसके बाद स्टार्ट करना. ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं. विच नंबर कम्स आफ्टर 66? 66 के बाद कौन सा नंबर आता है? 67. बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर कम्स बिफोर 91? 91 से पहले कौन सा नंबर आता है? फटाफट गेस करो. इज इट 90, 89, 19 और 10? इसमें से कौन सा नंबर 91 से पहले आता है? सो हियर द राइट आंसर इज ए, विच इज 9090. क्वेश्चन नंबर 3, विच नंबर कम्स बिटवीन 79 एंड 81? इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 79 के बाद क्या आता है? 80. सो हियर द राइट आंसर इज डी. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कम्स नेक्स्ट ए ए बी बी? चलो बताओ इन इसके बाद क्या आएगा. यहां पर पैटर्न है ए ए बी बी, एक अल्फाबेट को रिपीट किया जा रहा है. ए हो गया, बी हो गया, अब क्या आएगा? सी. ठीक है? डबल सी. बी इज द राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यूज का, फिल इन द ब्लैंक स्पेस. हमें ये जो स्पेस दी हुई है बीच में, इन नंबर्स के बीच में, उसे फिल करना है. देखते हैं कि क्या पैटर्न है. 3, 5, 9, 11. सो देखा जाए तो 3 के बाद 4 आता है, वो नहीं लिया इन्होंने, एक नंबर स्किप कर दिया है, 5 लिया है. तो 5 के बाद आता है 6, उसको हम कर देंगे स्किप. उसके बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है 7. सो हियर राइट आंसर इज सी, विच इज 7. नाउ चैप्टर नंबर 6, हेडिंग दे देना चैप्टर नंबर 6 एमसीक्यूज. ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ का शेप बताओ क्या होता है. यहां पर राइट आंसर क्या होगा? स्क्वायर, ट्रायंगल या सर्कल? सो हियर द राइट आंसर इज सी, सर्कल. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द शेप ऑफ द बुक? बुक का शेप क्या होता है? बुक का शेप क्या होता है? रेक्टेंगल. सो हियर राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट इज व्हाट इज द शेप ऑफ अ डाइस? डाइस का शेप क्या होता है? डाइस का शेप होता है सी, स्क्वायर. सो हियर द राइट आंसर इज सी. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.